देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा, तुसी वेख रहे हो ते मैं हाँ बबीता। अज इतिहासिक दिन है 16 नवंबर, तुहानू सब नू याद होना है कि 16 नवंबर नू की होया सी। 16 नवंबर नू शहीद होए सी करतार सिंह सराबा। सराबा पिंड जी उन्हां दे असी आए हाँ, सो तुहानू उन्हां दे सब तो पहला घर दिखावांगे। सो जद्दी घर है ये करतार सिंह सराबा जी का, जो कि 16 नवंबर 1915 नू शहीद होए सी। सो घर तुसी वेख सकते हो, तस्वीरां तुहानू विखा रहे उन्हां दे घर दीआं। इह बाहर दीआं तस्वीरां ने, सो दरवाजे तुसी वेख सकते हो। हुण असी अंदर चलदे हां। सो वेख सकते हो तुसीं अंदर असीं आ गए हाँ। तस्वीरां बड़ियां पुरानियां ने, तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हाँ। पंडित जगत राम, पिंड हरियाणा हुशियारपुर। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल अंकल जी। तुसीं इत्थे अक्सर आते जाते हो? हाँ बेटा, मैं इत्थे अक्सर आवां जांदा वां जी। मैं आर्मी परसन जी, रिटायर सब मेजर, लगाओ है जी साडा आर्मी दे होण दे नाते, ते असीं जरूर इत्थे महीने च इक वारी मत्था टेकण आए हुंदे। अज शहीदी दिन आ जी, बाबा जी दा जी। कोट-कोट असीं नमस्कार करदे हां, सलूट मारदे हां उहनां नूं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਬਖੂਬੀ ਕਿ ਜੱਦੀ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਘਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਤਿਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੈਟਲਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਜੈਕ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ? ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਦਿਖਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਓਲਡ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਪੰਡਿਤ ਜਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈਓ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਹੀਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ 1915 ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ। ਅਗਰ ਛੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਛੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੇਡੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੇਪਾ ਪੋਚੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਸੋ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ
करतार सिंह सराभा जी की, जिथे कि लोग नतमस्तक होने आते हैं। इधर भी तुहानू विखाने सी कि इधर भी तस्वीरां पईयां होईयां ने, बड़ियां पुरानियां उन्हां दे टाइम दियां तस्वीरां। लोग इत्थे अक्सर आउंदे ने नतमस्तक होण और जद्दी घर देखण लई। सो अंदर ही एक होर दरवाज़ा निकलता है जिथे कि तुसी वेख सकते हो संदूक पिया होया, बड़ा पुराना संदूक है जो कि अजकल सानू किते भी देखण नू नहीं मिलता। पिंडां च जरूर है किते ना किते देखण नू मिलता होएगा, पर अज दे टाइम दी गल कीती जावे तां मॉडर्न टाइम हो गया है। ये ओ पुराने टाइम दी असी गल्लां करदे आ, पुराने टाइम दी चीज़ां तुहानू विखाण जा रहे हां। ये खुलदा आ, खुलदा भी है, इहदे विच देखदे आ की है। इहदा एक ही डोर खुलदा, कुछ समान विच पिया होया। इहदे विच पुराने टाइम दे विच चीज़ां रखियां जांदियां सन, रजाइयां, कंबल, सारा कुछ इदां दी चीज़ां रखियां जांदियां सन। क्योंकि मैनूं तां इहदे बारे पता है क्योंकि मेरे घर भी हैगा है बड़ा पुराना, मेरी दादी जी ने भी इदां दा उन्हां दे टाइम दा संभाल के रख्या होया, तां मैनूं इहदा पता। उपर तुसीं चरखा वेख सकदे हो, चरखा भी पिया होया। ये बहुत पुरानियां चीज़ां अज दे टाइम च बहुत घट सानूं देखण नूं मिलदियां, और बड़ा चंगा लगता जदों इदां दीआं चीज़ां असीं देखदे आं। सो देख सकते हो तुसीं, ट्रॉफीज़ इत्थे पईआं होईआं काफ़ी सारीआं। पिंड दे जिन्ने भी नौजवान ने अगर कुछ जितते ने, चाहे वह स्पोर्ट्स की गल होवे, चाहे वह किसी ईवेंट की गल होवे, अगर कोई भी वो चीज़ जितते ने तो वह इत्थे आके रख जाते हैं। जिवें फुटबॉल, फुटबॉल का किसी ने जितया होया ट्रॉफी, वह इत्थे आके रख गए ने। ये ट्रॉफियां ने जिहड़े इत्थे दे नौजवान जिन्होंने जित्तियां ने और उन्होंने रिस्पैक्ट दे तौर पर इत्थे आके रखियां। और ये देख सकते हो पेटी है उस टाइम की, इहनूं पेटी कहिंदे आ, ये उस टाइम की पेटी है। ये भी तुसी वेख सकते हो जिहदे नाल कि असी लस्सी रिड़कदे हुंदे सी, ये उह है। ये शायद ये बखूबी जाणदे ने पिंडां दे लोग इस बारे। स्विच वेख सकते हो तुसी, ये पुराने टाइम दे स्विच ने, उस टाइम दे स्विच भी ने। इत्थे एक पलंग भी पिया होया तुसी वेख सकते हो, ये उस टाइम दा पलंग है। शायद इत्थे करतार सिंह सराभा उन्हां दे परिवार इत्थे सौंदे होणगे, बहिंदे होणगे। सो घर तुहानूं उन्हां दा जद्दी घर असीं तुहानूं विखा रहे हां। सो अंदर चलदे हां। नाल ही कमरा एक होर है, वेख सकते हो मैट इत्थे ग्रीन कलर का बिछाया होया। इत्थे पहला एक कच्चा पूरा हुंदा सी, मिट्टी दे नाल इत्थे मिट्टी बिछाई जाती सी, लेप किया जाता सी इत्थे, जिवें पुराने टाइम दे विच असी करदे हुंदे सी घरां दे विच। अक्सर फोटो लगी हुई है शहीद करतार सिंह सराभा जी दी, तुसीं वेख सकते हो। सो होर भी फोटोआं पईआं ने इत्थे। सो अलमारी तुहानू दिखा दिए कि पहला अलमारियां किदां दियां हुंदियां सी जिच कि समान रख्या जांदा सी। इस टाइप दियां अलमारियां हुंदियां सी जिथे कि असीं समान रखदे सी। इत्थे भी एक पलंग लग्या होया, ये उसे टाइम दा, उन्ना पुराना ही पलंग है भी। सो बाहर तुहानू दिखा दें, इत्थे तुसी वेख सकते हो
कि इत्थे भी एक दीवान बैड लग्या होया। पुरानियां कंधां, पुरानियां चीज़ां, पुराने दरवाजे, पुराने स्विच, आ भी एक पुरानी चीज़ पई हुई है। एक ही चीज़ है, देख ये भी मैनू संदूक लगता है। छोटा जा संदूक का दरवाजा, ये भी संदूक है, ये भी थोड़ा जा समान पिया हुआ। चक्की भी तुसी वेख सकते हो, वही भी पुरानी चक्की है। नाल ही नाल स्टोव भी पिया हुआ। ये सब पुरानियां चीज़ां ने। ये है जी उस टाइम दे पखे, तुहानू दिखा दिंदे आ भी ये उस टाइम, ये बहुत ज़्यादा भार आया, बहुत ज़्यादा हैवी है ये और बहुत मजबूत भी आ। ये देख लो किन्ना पुराना है, अज भी इनू कुछ भी कितों कटिया फटिया जड़ा आ वो नज़र नहीं आता, इन्ना पुराना है और बहुत मजबूत है। वाह क्या बात है, इनू इनू कोई वाह साढ़े वर्गे अजकल दे जिहड़े नौजवान ने चक भी नहीं पाते, इन्ना हैवी है। सो बुक्स देख सकते हो तुसी, किताबां पईयां होईयां ने, क्योंकि पढ़न दा उन्हां नू बड़ा शौक हुंदा सी, पढ़दे बहुत सीगे ओ। ये सारियां उन्हां दी बुक्स पईयां होईयां। अगे तुहानू हुण लैके चलदे आं उपर, उपर विखाने कि उपर की आ। उपर जी देख सकते हो तुसी पौड़ियां ने उपर जांदियां और नाल ही नाल दरवाजा भी पौड़ियां दे बिल्कुल नाल खुलदा एक। ਉੱਪਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਡੁੱਲੀ ਹਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਏਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਲਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਏਸੀਆਂ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਏਸੀ ਵਰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਿੜਕੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਸਰਾਭਾ ਪਿੰਡ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਫੇਕੀ ਵੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਰਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਵਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਊਗੀ ਇੱਥੋਂ, ਏ ਸੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਲੇਖ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ। ਸੋ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੱਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਛੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਛੱਤ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਰਸ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੱਤ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਹ ਦਿਖਾਈਓ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ये पुराने जमाने दे कह सकते हो तुसी, वॉल है पूरी और बहुत सोहनी बनी हुई है। तो ये पूरी छत जो कि असीं तुहानूं विखा रहे हैं, और पूरा पिंड भी दिखाया तुहानूं छत ते खड़े होके कि सराबा पिंड। करतार सिंह सराबा जी का जद्दी घर और पिंड उन्हां दा सराबा जिदे कि असी तुहानूं विखाया और नाल ही नाल दर्शन कराए इस घर दे। और बहुत असी अज अपने आप नूं प्राउड फील कर रहे हैं कि मैं अज इत्थे आई और तुहानूं रूबरू करवा सकी उन्हां दे पिंड दे नाल, क्योंकि बहुत साडे लई बड़ी माण वाली गल हुंदी है जदों असी पुरानियां चीज़ां नूं देखदे हां, शहीदां नूं याद करदे हां, जां उन्हां दे शहीदी स्मारक ते जांदे हां या फिर उन्हां दे जद्दी घर जांदे हां, बड़े असी अपने आप नूं भागां वाले समझदे हां। और मैं ये कहूँगी सारे जिन्ने भी यंगस्टर ने, जिन्ने भी साडे प्रोग्राम नूं देख रहे हैं, कि जरूर इहो जी जगह ते आया करो, सानूं बहुत कुछ सीखण नूं मिलदा है। और यह जी जगह पर आके सानू चीज़ा सानू सीखने मिलदियाँ जो असी सोच भी नहीं सकते, और रोंगटे खड़े हो जाते यह जी जगह पर आके, और एक अंदर अलग ही जोश भर जाता है कि अज असी जिस जगह पर खड़े हाँ, जिमें असी घूम फिर रहे हैं, उन्हां शहीदां की बदौलत ही घूम फिर रहे हैं। नाल ही नाल एक होर इत्थे सवाल यह भी उठता है कि 3 बजे का टाइम दिता सीगा कैबिनेट मिनिस्टर गुरमीत सिंह राणा सोडी ने, उन्होंने इतने आना सी क्योंकि प्रोग्राम बड़ा वड्डा रख्या होया बार इन्हां दी शहादत ते करतार सिंह सराबा जी दी शहादत ते, पर वह नहीं पहुँचे, वह नहीं आ सके। की कारण हो सकता ये तो उही जानण, पर सवाल यह है कि इहो जिहियां चीज़ां उन्होंने पहल के आधार पर उन्होंने आना चाहिए, यहोजी जगह पर आना चाहिए, बाकी सारिया कामों कारों छड के, क्योंकि यहोजे जड़िया चीज़ा ने, यह जी शहादत ने जड़िया वो सानू पहल के आधार पर साड़ी जिंदगी दे विच पहल के आधार पर करनिया चाहिदियां ने, पर की कारण हो सकते कि वह इत्थे नहीं पहुँचे ये तो उ जानण। पर साडा सवाल यही है कि उन्होंने या कोई भी मिनिस्टर होवे इहो जिहियां चीज़ां जड़ियां ने उन्होंने जरूर टाइम दे के आना चाहिए, ताकि लोग जड़ी आ थोड़ी वेट करते हैं, वो वेट करके ना जाण, साडे वर्गे जड़े तुहानू देखना चाहते आना चाहते हैं कि तुसी इत्थे आके शहीदां दे स्मारक ते आके शहीदां दे जद्दी घर दे विच आके किहो जिहा गलबात करदे हो, किवें विजिट करदे हो, वह चीज़ां लोग भी देखना चाहते हैं। सो जरूर तुसी इहो जिहियां जगह ते आया करो। सो लोगों भी यही दरखास्त है कि जरूर तुसी इदां दीआं जगह ते आया करो, ताकि तुहानू पता चले कि साडे शहीद जिहड़े शहीद होए ने उन्होंने साडे वास्ते की किया। स्पेशल रिपोर्ट दे विच फिलहाल है नहीं बबीता दे नाल कैमरामैन हिम्मत दैनिक सवेरा। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन्हां चोरा ठगा तो सावधान, स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान, फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94647 84 374 94648।